आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर शिक्षक संघ व कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बताते चले, यूपी के सीतापुर में जीआईसी कॉलेज मैदान में शिक्षक संघ व राजस्व के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया व सिटी मजिस्ट्रेट हर्षदेव पांडे को ज्ञापन भी दिया गया। इसमें शिक्षक संघ द्वारा मांग की गई है कि शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद एकमात्र वेतन ही सहारा है। नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बस एक ही चिंता है कि उनकी जमा धनराशि को शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां से उनके निश्चित आय की कोई गारंटी नहीं। जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट हर्षदेव पांडे द्वारा आश्वासन भी दिया गया। संगठन आपके साथ में है इस समय? हमारे साथ 19 संगठन है और हमारी प्रमुख मांग और एक ही मांग है, वो पुरानी पेंशन बहाली की, जो 2005 से हमारे शिक्षक और कर्मचारियों की नहीं दी जा रही है। उनका भी आपको एक दुखद भी पहलू बताएं, हमारा एक शिक्षक जो 2006 में नियुक्त हुआ था, आज खत्म हो गया, उसका परिवार सड़क पर आ गया है। न तो उसे मृतक आश्रित की नौकरी मिली है, न पेंशन का सहारा है, बताओ क्या करेगा वो। तो इन शब्दों में और हमारे माननीय लोग पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, जिसकी में हम घोर भर्सना करते हैं। और ये संघर्ष आज से शुरुआत हुई, इसका पहला चरण है और ये प्रदेश लेवल और उसके बाद भारत सरकार तक जाएगा। हम लोग पूरी तरह से 29-30-31 को कार्यभर्ष का 8 अक्टूबर को लखनऊ में इकट्ठा होंगे और लाखों की तादाद होगी। इसमें न्यू पेंशन स्कीम के समाप्त करके पेंशन स्कीम के बहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित करेंगे। सर, क्या मांगे रहेंगी और क्या पुलिस विभाग के साथ अपने ज्ञापन में वर्णित है? सर, क्या पुलिस विभाग भी इसमें सम्मिलित है? इसमें जो है, जो हमारे पास है कर्मचारी संघ के लोग, कर्मचारी शिक्षक अधिकारी, पुराने थैंक यू सर।